कोरोना महामारी के दौर में जहां एक तरफ सभी लोग सावधानी बरत रहे हैं, ऐसे में सलमान खान के दोनों भाई सोहेल खान और अरबाज खान के ऊपर कोरोना की गाइडलाइंस के उल्लंघन का आरोप लगा है, जिसके चलते अरबाज, सोहेल और सोहेल के बेटे निर्वाण के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। अरबाज, सोहेल और उनके बेटे निर्वाण को मुंबई के ताज लैंड सैंड में क्वारंटीन किया गया है। दरअसल सोहेल खान, उनके बेटे निर्वाण खान और भाई अरबाज खान, ये तीनों 25 दिसंबर को यूएई से मुंबई आए। इन सभी को वापस लौटने के बाद ताज होटल में क्वारंटीन होना था, लेकिन ऐसा ना कर ये तीनों सीधे अपने मुंबई के बांद्रा स्थित घर में चले गए। इसके चलते तीनों के ऊपर ये मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि भले ही इन दिनों लॉकडाउन से लोगों को राहत मिल गई हो, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से सभी लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के तहत सभी गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य है। लेकिन लॉकडाउन खत्म होने के बाद कई सारे बॉलीवुड एक्टर्स ने विदेशों में छुट्टियां मनाई या शूटिंग की। कई सितारों ने इन गाइडलाइंस का अच्छे से पालन किया, लेकिन कुछ सितारों ने इसमें लापरवाही बरती। सलमान खान के दोनों भाई सोहेल खान और अरबाज खान भी ऐसी लापरवाही बरतते नजर आए। इसके बाद बीएमसी ने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। बीएमसी का सख्त रवैया देखकर लग रहा है कि ये सितारे अब मुश्किल में घिरने वाले हैं। वीडियो डेस्क, अमर उजाला .com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।